स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नेहा, नेवर हैव आई एवर हुक्ड अप इन द ड्रेसिंग रूम और अ वैनिटी वैन। नेवर हैव आई एवर हुक्ड अप विद अ फ्रेंड्स गिफ्ट। परफेक्ट। वन नाइट स्टैंड्स और अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विदाउट सेक्स। वन नाइट स्टैंड, सेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन नाइट स्टैंड इज बेटर। एवरीबॉडी ऑफ अस, एवरीवन इज ऑब्सेस्ड विद सेक्स एंड इट्स ग्रेट। योर थॉट? आई थिंक when you want sex, just have it. Why to be obsessed? दोस्तों, इन सभी वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया में बीते एक दशक में हुकअप बिहेवियर बहुत कॉमन हो गया है। आज कॉन्ट्रोसेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी और बहुत से ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी की वजह से लोग इस आइडिया से फैसिनेट करने लगे हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल प्लेजर के साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग भी रहती है, जिसमें कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हुए लोग बड़े शहरों में इस बिहेवियर को अपना रहे हैं, जिसका वाइड इम्पैक्ट न सिर्फ लोगों के मेंटल स्टेटस पर पड़ रहा है, बल्कि उसके साथ ही साथ सोशल और इमोशनल लेवल पर भी लोग ऐसे बिहेवियर के बाद अनस्टेबल नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद इंडिया में यह कल्चर बढ़ता जा रहा है, इसलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कल्चर इवॉल्व कैसे हुआ और इसका लोगों पर क्या इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर फर्स्ट के सोसाइटी टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू, अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने 1943 में मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके जरिए ह्यूमन बिहेवियर के मोटिवेशन को समझा जा सकता है। इसमें एक पिरामिड पर अलग अलग मोटिवेशन को मैप किया जाता है, जिसका हर लेवल अलग अलग ह्यूमन नीड को रिप्रेजेंट करता है। इस पिरामिड पर लव और बिलोंगिंग को तीसरे लेवल पर रखा गया है, और ये बताया गया है कि इंटीमेसी या फिजिकल रिलेशन भी इस पिरामिड में थर्ड लेवल पर ही आएंगे, क्योंकि लव और बिलोंगिंग से ही डेवलप होते हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन में बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन और नाइटमेयर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। सबसे पहले यही कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ऑप्शनल लें, फिर क्लासेस लें या नहीं, यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है, या लें तो कहाँ से लें, और सब अगर सॉर्ट आउट कर भी लिया तो ये डर कि यार एक बार में नहीं समझ आया तो। 500 मार्क्स का वेटेज कैरी करने वाला ऑप्शनल आपका एक अटेम्प्ट या फिर सारे अटेम्प्ट्स को बर्बाद कर सकता है, और इसी डर को दिल से निकालने के लिए और आपके लिए अफोर्डेबल फी पे मुहैया करा रहे हैं। वैसे तो ऑप्शनल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पर जो मोस्ट सॉर्टेड और फेवरेट कोर्सेज हैं वो आपको सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम पैकेज में मिल जाएंगे। जीएस कोर्सेज की तरह यहाँ पर भी सिर्फ कोर्स के ड्यूरेशन का फर्क है। अपने फील्ड के वेटरन और रिनाउंड फैकल्टीज के द्वारा आपको PSIR, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी और हिंदी साहित्य के कोर्सेज 15999 से लेकर 19999 तक मिल जाएंगे। दोस्तों, ऑप्शनल की लाइव क्लास के साथ क्वालिटी क्यूरेटेड हैंड रिटन नोट्स, लाइव आंसर राइटिंग और ऑप्शनल सब्जेक्ट की करंट अफेयर्स रिलेटेड एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको उसमें मिल जाएगी। कोर्स रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन क्या सच में आज हमारे देश में इंटीमेसी या सेक्सुअल रिलेशंस लव या बिलोंगिंग का रास्ता देखते हैं? शायद नहीं, और शायद इन्हें मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में लव और बिलोंगिंग से भी ऊपर के किसी लेवल में रखा जाए। और इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से आज इंडिया में हुकअप कल्चर बढ़ रहा है और सबको किसी एक पार्टनर के साथ कमिटमेंट का फियर पैदा हो रहा है, वो ये क्लियर कर देता है कि आज इंडियन यूथ की साइकोलॉजी चेंज हो रही है, जिसे हुकअप कल्चर का नाम दे सकते हैं। दोस्तों, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट इसे सेक्स एडिक्शन की तरह भी देखते हैं। आज इंडिया में हाइपर सेक्सुअल पर्सनैलिटी के लोग काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोहली ETL.com की स्टडी में पता चला कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज यानी कि मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में हुकअप बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी 55.13% है, यानी 50% से अधिक लोग हुकअप जैसी एक्टिविटीज में शामिल थे। आप इसी से समझ सकते हैं कि मेजॉरिटी में आज हुकअप कल्चर को युवाओं या ये कहें कि मिलेनियल और जेंजी के द्वारा अपनाया जा रहा है। हालांकि इस पर कोई कॉन्क्रीट स्टडी अभी इंडिया में नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही है उसमें हुकअप कल्चर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडियन हुकअप कल्चर को थोड़ा और डिटेल में समझे तो इस तरह के वन डे रिलेशनशिप बिहेवियर में मेल्स ज्यादा संख्या में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फीमेल्स का नंबर बहुत कम है। हालांकि मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स इन चीजों के लिए इतना ज्यादा ओपन नहीं होती। आज इंडिया में हुकअप बिहेवियर इमर्जिंग एडल्ट्स में हाईएस्ट है, जो अधिकतर इंडिपेंडेंटली अपार्टमेंट्स में रहते हैं। उनके बाद आते हैं वो लोग जो पीजी या किसी हॉस्टल में रहते हैं, और आज ये बिहेवियर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो कॉमन है ही। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया में कल्चर कैसे आया, तो
ये बात बहुत आसानी से कही जा सकती है कि ये भी वेस्ट का इफेक्ट है, लेकिन अगर हुकअप कल्चर के असली इमर्जेंस की बात करें तो इसकी न्यू मिड 1700s में अमेरिका में रखती गई थी। दरअसल इस टाइम पीरियड में कॉलेज में एलिट क्लास के बच्चों को पार्टी और एंजॉय करने की छूट मिल गई, खास करके मेल स्टूडेंट्स अपने से इकोनॉमिक और सोशली पुअर लड़कियों के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने लगे और मेल यूथ में मल्टीपल सेक्स एक्टिविटी कॉमन होने लगी। लेकिन 1930s में वहां पर जब फीमेल पॉपुलेशन 40% से अधिक हो गई, तब जाकर कुछ इसकी स्थिति बदली और कॉलेज कैंपस में मेन अब उन फीमेल से भी अट्रैक्ट होने लगे जो उनके इक्वल थी। दरअसल उस वक्त तक फीमेल स्टूडेंट्स को यह पावर था कि अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए नो बोलती हैं तो मेल स्टूडेंट्स को मानना होगा, उसके लिए फिर उन्हें एफर्ट करके लड़की से हाँ करवानी होगी। देखा जाए तो इसी दौरान कॉलेज लाइफ और डेटिंग का कल्चर अमेरिका में खूब बढ़ा, जिसे मास मीडिया और बुक्स के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाने लगा। लेकिन 1960s आते ही अमेरिका में सेक्स रेवोल्यूशन का समय आया, जिस दौरान सोसाइटी में ये मांग की जाने लगी कि समाज में सेक्स के ऊपर खुलकर बात की जानी चाहिए। इसी रेवोल्यूशन की देन थी कि अमेरिका में फीमेल को भी पार्टी और सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए प्रॉपर लिबर्टी दी गई। लेकिन 1980s तक ये कल्चर कॉलेजेस तक ही सीमित था, हालांकि इसके बाद अमेरिका में पार्टी करने यानी ड्रिंक करने की एज को 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया और इसी के साथ कॉलेज लाइफ और फंस दोनों ही खत्म हो गए। लेकिन तब तक सेक्स अमेरिका में बहुत कॉमन होने लगा था, जिसके बाद से वहां पर सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए कॉलेज के बजाय लोग बार रेस्टोरेंट या किसी गैदरिंग से पार्टनर चुनने लगे और यही कल्चर आज भी चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा रेवोल्यूशन सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स लेकर आए हैं। दोस्तों इंडिया में भी इस कल्चर के लिए काफी हद तक ये एप्स ही जिम्मेदार हैं। आज कंडीशन ये है कि डेटिंग एप्स के मामले में इंडिया एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, जिसकी शुरुआत 2010 से होती है। इस तरीके से मान सकते हैं कि हुकअप कल्चर का अमेरिकन ट्रेडिशन इंडिया में करीब 2010 तक आ चुका था और आज ये अक्रॉस कंट्री बहुत कॉमन है, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर एक आम इंसान भी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ बिना किसी कमिटमेंट और जुड़ाव के फिजिकल रिलेशन बनाता है, जिसे एक सोशल लिबर्टी के तरीके से देखा जाए तो अपने आप में लोगों को आजादी देता है कि वो अपना सेक्सुअल पार्टनर चूज कर सकते हैं, जिसमें किसी रिलेशनशिप का बर्डन उठाने की जिम्मेदारी नहीं रहती। लेकिन इस लिबर्टी के साथ ही साथ इस हुकअप कल्चर के इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं, जिसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो आइए अब हुकअप कल्चर के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों आमतौर से हुकअप कल्चर को लेकर ऐसा माना जाता है कि ऐसे रैपिडली सेक्सुअल पार्टनर्स के चेंज होने से सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज यानी कि STDs के साथ ही साथ अनवांटेड प्रेगनेंसीज जैसे रिस्क बने रहते हैं, लेकिन जो ब्रॉडर साइड इफेक्ट होते हैं वो इतने ज्यादा विजिबल नहीं होते। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि बिना प्रॉपर सेक्स एडुकेशन के कैजुअल हुकअप्स रेप और सेक्सुअल असॉल्ट में कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता, जिसका सीधा असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। हो सकता है ड्यूरिंग सेक्स ये बात ना फील हो, लेकिन उसके बाद इसका असर लंबे समय तक पॉसिबल है। अगर कॉलेज की बात करें तो वहाँ के हुकअप बिहेवियर की वजह से लोग एलिनेट हो जाते हैं और जो ग्रोथ और मेंटल प्रोग्रेस कॉलेज में अचीव कर सकते थे वो रुक जाती है। इस तरीके से वर्क प्लेसेस पर कैजुअल सेक्स की वजह से सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस बहुत कॉमन है, जिसमें लोग इंडिविजुअल और सेक्सुअल बाउंड्रीज को भूल जाते हैं और इसका सीधा असर उनके काम और उनकी प्रोडक्टिविटी पर दिखने लगता है। साथ ही अगर कोई कैजुअल सेक्स में बिलीव करता है और वो अलग अलग पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व होता है और ये बात सोसाइटी में पता चलती है तो उससे भी एक सोशल बुलिंग उस मैन या वुमेन को झेलनी पड़ती है। क्योंकि इंडिया कितना भी मॉडर्न हो, आज भी सेक्स को लेकर लोग ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव ही हैं। ऐसे में कैजुअल सेक्स को तो शेम, एम्बैरेसमेंट और लैक ऑफ डिग्निटी ही कंसीडर किया जाता है। देखा जाए तो इसे बहुत से लोग अपने ही हुकअप बिहेवियर पर रिग्रेट करते हुए गिल्ट में चले जाते हैं, जिसे उबरने में काफी समय चला जाता है। कभी कभी ये रिग्रेट इस टर्म में भी आ जाता है कि हुकअप के दौरान ही कोई इतना पसंद आ जाता है कि उसके साथ लाइफ लॉन्ग और बियॉन्ड सेक्सुअल रिलेशन भी आप उसे पार्टनरशिप में देखना चाहते हो, लेकिन चूंकि पहले से ये तय रहता है कि सब कुछ कैजुअल है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे में वो दुख कब गिल्ट में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने सेक्सुअल नीड के लिए नहीं बल्कि नंबर्स अचीव करने के लिए भी कैजुअल सेक्स को अपनाते हैं। देखा जाए तो ज्यादातर ऐसा मैन ही करते हैं, जिस वजह से उनके फीमेल पार्टनर को उसके नाम के बजाय नंबर्स याद रखते हैं, जबकि विमेन के लिए ऐसा करना मुश्किल होता है, डिस्पाइट कि वो किसी ऐसी क्लास से आती हो जहां उनकी बात सुनी और समझी जाती हो। दोस्तों इस आर्ग्यूमेंट को कई स्टडीज प्रूफ भी करती हैं। स्टडीज में ये पाया गया है कि सोसाइटी के आज भी बहुत से हिस्सों में गर्ल शुड बी प्योर एंड वर्जिन का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, जबकि लड़के भले ही अपने सेक्सुअल लाइफ और नंबर्स ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स की प्राइवेसी को सबके साथ शेयर कर रहे हों, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। ऐसे में सोसाइटी में हुकअप कल्चर तब तक एक बैलेंस्ड सोसाइटी नहीं बना पाएगा जब तक कि विमेन के कैजुअल सेक्स को भी मेन की तरह नॉर्मल कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां ये बिहेवियर लोगों के माइंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। दोस्तों यहां ये बात क्लियर कर देनी जरूरी है कि वीडियो हुकअप बिहेवियर के फॉर या अगेंस्ट में नहीं है, बल्कि इसके साइड इफेक्ट्स का एक एनालिसिस है जिसे समझना भी जरूरी है। गार्सियस रिसर्च टीम की माने तो हुकअप बिहेवियर धीरे धीरे लोगों के स्टेट ऑफ माइंड को डिस्ट्रॉय करने लगता है। सबसे पहले लोग अपने दिमाग में इस बिहेवियर के एथिकल होने पर सवाल खड़े करने लगते हैं कि क्या शादी से पहले इस तरह के कैजुअल सेक्स एथिकल है या नहीं।
रिसर्च टीम के रिव्यू में पता चलता है कि लोगों को यह लगने लगता है कि वो अपने अंदर सेट स्टैंडर्ड का वायलेशन करने लगते हैं, भले ही वो सोशल मीडिया पर यह कितना भी पढ़ लें कि आज के टाइम में हुकअप्स आर नॉर्मल। हम कह सकते हैं कि इनग्रेंड मोरल वैल्यूज के साथ ये बिहेवियर कॉन्फ्लिक्ट करता है और एक सेंस ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस लोग फील करते हैं। साथ ही सोसाइटी में इसके बहुत कॉमन होने और धीरे धीरे यूथ के बीच में एक स्टेटस सिंबल बनने के चलते इसका साइड इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए कि आज के टाइम में जब हर कोई ही ऐसे कैजुअल सेक्स में इन्वॉल्व हो रहा है तो बहुत से लोगों में एक पीयर प्रेशर जनरेट हो जाता है, क्योंकि इसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी जेन जी की स्लैंग में फोमो वाली फीलिंग आ जाती है, जिससे पहले तो लोगों में परफॉर्मेंस इश्यू क्रिएट हो जाता है, जिसका मेंटल असर कुछ ऐसा होता है कि उसे फर्दर सेक्सुअल डिसफंक्शनल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं जो कभी भी लाइफ लॉन्ग खत्म नहीं होते। दोस्तों, बहुत से रिसर्चर्स ने पाया कि कैजुअल सेक्स के बाद लोग पहले की तुलना में ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगते हैं। कुछ अलग स्टडीज में ये बात भी सामने आ चुकी है कि मोस्ट ऑफ द वुमेन जो पार्टी के दौरान अल्कोहल या फिर अदर सब्सटेंस कंज्यूम करती हैं, उन्होंने एक ना एक बार नॉन कंसेंशुअल सेक्स जरूर फेस किया होगा। दोस्तों, लोग आमतौर से ऐसे हुकअप्स का हिस्सा इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज की मदद से अपने डिप्रेशन, लोनलीनेस और एंजाइटी जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से बचना चाहते हैं। ऐसे केसेस अधिकतर किसी के हार्ट ब्रेक के बाद होते हैं, जहां प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट के बजाय लोग सेक्सुअल सपोर्ट के जरिए इससे उबरना चाहते हैं, जबकि वो इसमें और ज्यादा फंस जाते हैं। और इन सब में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं डेटिंग एप्स के कॉन्ट्रास्ट एडवर्टाइजमेंट, जिसमें ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप को आज की सच्चाई बताया जाता है, जिस पर लोग हर रोज एक नया पार्टनर ऐसे ढूंढते हैं जैसे कि अमेजन या फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट ढूंढते हो, जिसे न सिर्फ लोग सेक्स एडिक्ट होकर अपनी मेंटल पीस को खराब करते हैं बल्कि अपने ह्यूमन वैल्यूज से भी कंप्रोमाइज करते हैं। देखा जाए तो इसी का असर आज हमारे मैरिज और फैमिली इंस्टीट्यूशन पर पड़ रहा है, क्योंकि समाज में कमिटमेंट जैसे टर्म से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है और हर कोई रियल रिलेशनशिप को आइडियलाइज करने की बजाय इस कैजुअल सेक्स के कल्चर को एडमायर कर रहा है। ऐसे में आज के युवाओं का शादी पर से भरोसा उठता जा रहा है। देखा जाए तो कई लोगों का कहना यह भी होता है कि भले ही हम हुकअप कल्चर में एंगेज ना हो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हमारा पार्टनर भी नहीं रहा होगा। अगर उसने अपने पास्ट में मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाए हो और हमें इस बारे में कुछ पता ना हो, तो क्या ये हमारे साथ चीटिंग नहीं होगी? दोस्तों, ऐसे सवालों का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी इंडियन सोसाइटी में हुकअप कल्चर एक बाहर से आई हुई चीज है। इसको लेकर सोसाइटी उतनी ओपन नहीं जितना कि कई बार समझा जाता है। इसके साथ ही न जाने कितने ऐसे केसेस देखे जाते हैं जहां पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से या शादी के बाद कैजुअल हुकअप्स की वजह से लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं। इस तरीके से कल्चर डायरेक्टली इंडियन सोसाइटी के कोर वैल्यूज को इम्पैक्ट करता है। इंडियन सोसाइटी में जहां हमेशा से फैमिली फाउंडेशन को पिलर माना जाता रहा है, वहां इस तरह का कल्चर फैमिलीज को ब्रेक कर सकता है। और मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन जिसको सोसाइटी में सेक्रेट कंसीडर किया जाता है, उसमें से तो लोगों का विश्वास ही खत्म होता जा रहा है। दोस्तों, इस तरह अवेयरनेस की कमी और सेक्स को लेकर कंजर्वेटिव माइंडसेट की वजह से बहुत सी चीजें खराब हो जाती हैं। आज स्पेस, इंडिपेंडेंस, डेटिंग एप्स और कंट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से इस तरह के रिलेशनशिप्स में तो लोग इंडल्ज हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन यानी कि लव हार्मोन के एडिक्शन का शिकार होकर अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को खो देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि एक इंडिविजुअल बिल्कुल शुरुआत से इस बारे में अवेयर रहे कि उसे किस तरह के रिलेशनशिप की जरूरत है। अगर उसे मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन बनाने हैं तो उसे इस बारे में क्लियर रहना चाहिए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ के ही ऐसे एक्टिविटीज का हिस्सा बनना चाहिए। दूसरी ओर, अगर किसी को लाइफ में लव और कंपेनियनशिप चाहिए तो उसे सिर्फ पीयर प्रेशर में आकर हुकअप बिहेवियर में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, यानी हुकअप कल्चर को एक एस्केप की तरह यूज करने से बचना चाहिए और अपनी नीड्स और मेंटल स्टेट को समझते हुए ही कोई स्टेप लेना चाहिए। साथ ही इंडिविजुअल लिबर्टी को भी हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए और एज अ सोसाइटी इसको लेकर और ज्यादा मेच्योरिटी डेवलप की जा सकती है। दोस्तों, आप किस मुद्दे पर राय क्या है, हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।